मलेचा पर शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवरण कवि भूषण ने अपना कविता में इस तरफ किया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, चारों ओर अंधकार था, बहुत ही मुश्किल समय था, मुगलों जैसा मलेचा का राज्य था। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का कल्पना करके भारत माँ को मुगलों से आज़ाद किया। यही नहीं, वो बहुत दूरदृष्टि थे, उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया। इसी के चलते हुए वो हमारे उड़पी के पास जो बसूर है उसको पुर्तगीज से भी स्वतंत्र किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम के आगे छत्रपति क्यों लगा? क्योंकि वो अपने छत्र के नीचे सभी हिंदुओं का रक्षा करते थे। उनका एक और नाम था श्रीमान योगी, क्योंकि वो राजा ज़रूर थे लेकिन एक योगी के बातें जीते थे। दूसरे हमारे सामने हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट में INA कहते थे, उसका भी निर्माण किया। इसी के कारण भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र मिला। यही मूल कारण था कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इन दो महापुरुषों का कार्यक्रम है, इसीलिए मैं कुर्मा फाउंडेशन को आभारी हूँ। आज श्रीकांत शेट्टी ने बहुत ही अच्छा भाषण किया, डॉक्टर संदीप मई ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत विस्तार से बात किया। श्री अजीत जी ने भी सिविलाइजेशन के बारे में बात किया, कैसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस आए और गए, लेकिन हमारी जो भारतीय सिविलाइजेशन है वो समय के पूर्व से था और अभी भी रहा है। और एक और बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो भी इकट्ठे हैं, सब के सब देश प्रेमी हैं। हम सबको चिंता होता है जब अधर्म बढ़ता है कि हमारा देश का क्या होगा। मैं बस एक बात कह के अपना आज का बात समाप्त करना चाहता हूँ। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्तामन अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನಗಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ